जयंती के अवसर पर शहर में विविध जगहों पर विविध समारोह का आयोजन किया जा रहा है, जिसके तहत लॉयंस क्लब की ओर से विश्व शांति रैली का आयोजन किया गया। इस संदर्भ में लॉयंस क्लब की डायरेक्टर डॉक्टर रिचा जैन ने अधिक जानकारी साझा की। 2 अक्टूबर का दिन भारतीय इतिहास में खासा महत्व रखता है। इस दिन ऐसे महान सपूतों का जन्म हुआ जिन्होंने अपने महान कर्मों से पूरे हिंदुस्तान को अपना किरदार बना लिया। हम बात कर रहे हैं महात्मा गांधी और लाल बहादुर शास्त्री जी की। देश की स्वतंत्रता में बापू के अहिंसक संघर्ष का महत्वपूर्ण योगदान है, तो वही भारत को जय जवान जय किसान का नारा देने वाले देश के पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री ने इस योगदान को जाया नहीं होने दिया। इसी के चलते गांधी जयंती के अवसर पर लॉयंस क्लब की ओर से विश्व शांति रैली का आयोजन किया गया। इस संदर्भ में लॉयंस क्लब की डायरेक्टर डॉक्टर रिचा जैन ने अधिक जानकारी साझा की। विश्व शांति रैली में मैं सबसे पहले यह बात बोलना चाहूँगी कि हमने जिनके सिद्धांत पे हम काम कर रहे हैं वह आदरणीय, जिनके हम परम पूज हैं और हम ये मानते हैं कि वह हमेशा अमर रहने वाले, ऐसे महात्मा गांधी जिनकी प्रेरणा से आज पूरा देश चलता है और अहिंसा का जो संदेश उन्होंने दिया और अहिंसा का संदेश जो भगवान महावीर ने दिया, आज उसकी बहुत अत्यंत आवश्यकता है। कि जिस तरह से हमने कोविड में देखा कि पूरा विश्व ने शाकाहार अपनाया है, तो अहिंसा यदि हम पालन करेंगे तो जरूर हम इस देश को बहुत आगे ले पाएंगे। लायंस क्लब साउथ और संपूर्ण लायंस क्लब के क्लब ने आज यहाँ पर एक अहिंसा का पीस संदेश देने के लिए ये रैली निकाली और महात्मा गांधी के स्वरूप में हम लोग ने महात्मा गांधी भी यहाँ पे बनाए। तो मैं सभी को ये प्रेरणा देने जाऊँगी कि जो जो मुझे यहाँ सुन रहे हैं कि यह रैली संपूर्ण भारत में निकलना चाहिए और अहिंसा का संदेश हमको जन जन तक। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि आज हमारे देश को गांधी जी के अहिंसा के मार्ग पर चलने की बहुत जरूरत है। कैमरा पर्सन राजकुमार मोहर के साथ दिशा हटवार, BCN न्यूज़ नागपुर।